नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले समाप्त हुई थी, पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षा की जो कॉपियां हैं वो लगभग चेक होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन स्वयं टीचर्स के द्वारा दी गई है। मैंने कई सारे टीचर्स से बात किया तो उन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ, पॉलिटेक्निक की जो सम सेमेस्टर की कॉपियाँ हैं वो चेक होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और भी मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि इस बार कॉपियां जो हैं वो कैसे चेक की जा रही हैं, नॉर्मली चेक की जा रही हैं या फिर हार्डली कॉपियां चेक की जा रही हैं, तो इसको भी लेकर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। रिजल्ट कैसे होने वाला है इस बार, उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि अभी पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की जो परीक्षा की कॉपियाँ हैं वो कुछ ही कॉलेज में चेक की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर अभी जो कॉपियां हैं वो चेक नहीं हो रही हैं। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि अभी कुछ ही कॉलेज में पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की जो परीक्षा की कॉपियां हैं वो चेक की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर अभी कॉलेजों में कॉपियां नहीं चेक की जा रही हैं। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि इस बार कॉपी चेक करने का पैटर्न क्या होने वाला है, कॉपी हार्डली चेक की जा रही है या फिर नॉर्मली ही चेक की जा रही है, तो उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी कि जो बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा लिख कर आता है उसके लिए बातें मैटर नहीं करती हैं कि कॉपी हार्डली चेक हो रही है या फिर नॉर्मली चेक हो रही है, उसको प्रॉपर नंबर मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम लिख कर आते हैं या उनकी तैयारी नहीं होती है, तो इसको लेकर जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कॉपी चेक करने को लेकर ये बताया कि जो बच्चे इस बार 15 से लेकर 16 नंबर के बीच में अंक पा रहे हैं और उनको पास होने के लिए 17 या फिर 18 नंबर की ज़रूरत है, तो उनको एक दो नंबर एक्स्ट्रा देकर उनको पास किया जा रहा है। मैं सब टीचर्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि क्योंकि सब टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं। जिन टीचर्स से मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि यदि वो कॉपी चेक कर रहे हैं तो जो बच्चे 14 से लेकर 15 के बीच में नंबर पाते हैं और उनको पास होने के लिए एक या दो नंबर की आवश्यकता होती है, तो वो उन्हें एक या दो नंबर देकर आसानी से पास कर देते हैं। बाकी सारे टीचर्स ऐसा फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने जानकारी दी थी कि इस बार थोड़ी सी रियायत बरती जाएगी। जो बच्चे 14 से लेकर 15 नंबर के बीच में अंक पाते हैं उनको 2 से 3 नंबर देकर उनको जो है पास कर दिया जाएगा। बाकी रिज़ल्ट को लेकर जब मैंने उनसे पूछा कि इस बार रिज़ल्ट कैसा होने वाला है, अधिकतर बच्चे पास हो रहे हैं या फिर उनकी बैक लग रही है, तो उन्होंने इसको लेकर बताया कि अभी जो है कॉपियां चेक करना स्टार्ट हुई हैं, तो ऐसे में अभी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि बच्चों के जो है बैक लग रही हैं या बच्चे अभी जो है वो सेमेस्टर में पास हो रहे हैं। लेकिन जितनी कॉपियां उन्होंने चेक की है उसके आधार पर बताया है कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो लगभग पास हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कुछ नहीं लिख कर आते, तो भाई उनके तो बैक लगने वाली है। तो ये थी अपडेट कॉपी चेक करने को लेकर, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको हर एक सब्जेक्ट की PDF और नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।